ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी दो बिंदु से दूरी क्रमशः ए और बी मीटर है, जो एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्षैतिज रेखा ले लें। वो रहा ये क्षैतिज रेखा, इस पर एक मीनार ले लीजिए, ये आपका मीनार रहा। अब यहां से दो बिंदु है, एक दो। इसे बोला कि यहां से एक जो है ना, ये है आपका ए दूरी, और दूसरा दूरी है ना वो है आपका बी। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। नाम दीजिए इसका ए बी सी और ये डी। इसको एच मान लीजिए, यही हमको निकालना है। इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा कि थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी और बटे हो जाएगा बी सी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और बराबर ए बी है एच और बी सी है आपका बी। तो ये क्या हो गया आपका, यहां पर हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू एच बटे √3। ये निकल गया आपका समीकरण फर्स्ट। चलिए पुनः क्या करेंगे, पुनः चलते हैं हम अपने इसी फिगर में दूसरे थीटा के साथ। इस बार होगा ए बी और डी में, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो टेन 30 अब 30 होगा तो जाएगा ए बी अब बटे बी डी। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन 30 डिग्री बराबर ए बी अब बटे हो जाएगा बी डी। इसमें टेन 30 का तो वैल्यू होता है 1/√3 और इक्वल टू ए बी कितना है तो वो है एच और बी डी कितना है हमारे पास, तो बी डी हो जाएगा ए। यानी ये क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा √3। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गुना करने पर, फर्स्ट तथा सेकेंड को गुना करने पर हमको एच की प्राप्ति लेना है। तो भाई दोनों को गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो क्या होगा कि आप फर्स्ट और सेकेंड को गुना करने जा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास बी बराबर एच बटे √3, तो बी आप गुना कर दीजिए ए बराबर के, इस पार एक तरफ गुना कीजिए, बराबर के दूसरे तरफ अलग से गुना कीजिए। तो इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, तो एच बटे √3 और गुने क्या हो जाएगा, एच √3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, ये ए बी हो जाएगा भाई। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये √3 से √3 आपका कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, एच बराबर हो गया, ये स्क्वायर को उठा के इधर कीजिए तो रूट ए बी हो जाएगा। तो एच का मान कितना निकल कर आ गया, रूट ए बी आ गया, जो कि आपके सवाल में कुछ इस प्रकार यहाँ दिया हुआ था। देखिए एच का मान क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में एक है ना रूट ए बी, तो यही आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, स्पर्श रेखा वो इस प्रकार से होता है, इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होता है। तो बराबर होती है, बराबर होती है, ये बराबर होता है, ये लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में, तो इस सवाल का आकृति मिस हो गया था, बट ये जो आकृति है ना, ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति है जो इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें इन्होंने दिया था कि कौन पी ओ क्यू, तो ये पी है, ये ओ है और ये आपका क्यू है। भाई ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पूछा है कि दिए गए आकृति में पी ओ क्यू का मान क्या होगा। तो ओ बीच में है, तो ओ पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 90 डिग्री।
14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे के किसी वृत्त के व्यास के सिरों के बिंदुओं पर खींची स्पर्श यानी खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कौन डैश होता है। कह रहा है एक वृत्त की व्यास के सिरों के बिंदुओं पर, कहने का मतलब है कि इसमें देखिए आप ये मान लीजिए एक वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है तो ये केंद्र होगा और ये त्रिज्या होगा और ये पूरा व्यास होगा, तो इसमें क्या हो गया कि व्यास हो गया आपका व्यास के सिरे, तो ये सिरा हो गया और ये सिरा हो गया, और इस पर कराए खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कौन, इस पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया ये स्पर्श रेखा है, इधर खींचिए आप चाहे इधर खींचिए आप यही स्पर्श रेखा है, तो खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा कौन डैश होता है, तो ये कौन 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90, तो आप इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री होता है या बोल सकते हैं समकोण होता है या समकोण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना जो होता है वो होता है माध्य, क्या होता है माध्य। 16 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत समीकरण का हल डैश होता है, तो असंगत समीकरण का जो हल होगा असंगत जिसका संगत नहीं हो रहा है, असंगत समीकरण का जो हल होगा वो होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपाती रेखाओं के लिए शर्त डैश होती हैं, तो संपाती रेखाओं का जो शर्त होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग होता है, तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन अब बटे कर दीजिए टू, एन अगर प्रथम एन धन पूर्णांक का योग आपको निकालना है, जैसे कि प्रथम एन धन पूर्णांक का मतलब हो गया एक, एक से शुरू होगा एक दो तीन चार पांच ये सब जहां तक भी निकालना हो, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक अगर निकालना है योग निकालना है तो एन इंटू एन प्लस वन बटे टू का फॉर्मूला लगाइए, आपका सवाल बन जाएगा। तो अगला सवाल है फिर 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा है 18 तक हुआ ना 19, शून्य घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो शून्य घात वाले जो बहुपद होते हैं वो शून्य बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं शून्य घात वाले बहुपद कहलाते हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो भाई परिमेय संख्या का अपरिमेय से जब भी दोस्ती होगी, चाहे गुणनफल हो भागफल हो गुना के साथ हो भाग हो जोड़ हो घटाओ कुछ भी होगा, तो ये हमेशा परिमेय अपरिमेय में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। तो ये था आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे यहां से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।